तो गाइस आज हम जा रहे हैं वृंदावन। जैसा आपने सही सुना, वृंदावन। एंड काफ़ी लंबा रास्ता होता है, 3-3.5 घंटे का। एंड अगर ट्रैफिक जाम मिल जाता है तो कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। एंड हम काफ़ी लेट निकल रहे हैं, हम 4:30 बजे तो हम निकल ही रहे हैं। एंड आई डोंट नो कि हम परफेक्ट टाइम पर पहुँच पाएंगे या नहीं। एंड जब हम मेन रोड पर मिलेंगे मैं आपको व्यू दिखाऊंगी बाहर का भी। हम गली में ही हैं, यहीं घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे, मतलब रास्ता ढूंढ रहे अपना। सो आपको भी मैं मंदिर दिखाऊंगी। एंड आई होप बस मैं दिखा पाऊँ क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है। सो एंड ओके आई थिंक यस। एंड गाइस अभी आप देख सकते हैं हम इतनी सारी खाने पीने की चीज़ें लाए हैं। एंड रात में पानी भी लाए हैं। एंड व्यू भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा व्यू आया है अभी बाहर का। एंड कुछ पागल लोग आ जाते हैं। एंड सामने पापा और ड्राइवर बैठे हैं। एंड नेक्स्ट फिर से आप देख सकते हैं पागल लोग आ रहे थे, साथ में बैठी है मम्मी। ओके एंड गाइस तो अभी हमारी गाड़ी का जो है डीजल ख़त्म हो गया एकदम। एंड थोड़ी सी दूर पे पेट्रोल पंप था, सो हमारे जो ड्राइवर थे वो गए अभी पेट्रोल सॉरी डीजल लेने। सो हमारी डीजल वाली गाड़ी है, सो डीजल लेने गए हैं। एंड वो आ गए हैं अभी, आधे घंटे से हम ऐसे ही खड़े थे इसलिए हमारा वेस्ट हो गया। एंड आई होप कि हम टाइम से पहुँच जाए। आज मंदिर वो वाला 9:30 बजे बंद होता है। ओके सो अभी डीजल डाल रहे हैं। एंड फिर हम ये जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। एंड फिर जल्दी से मंदिर पहुँचेंगे। ओके एंड गाइस ये ऑलरेडी हम लेट निकले थे, सो और लेट हमें हो रहे हैं जो मैं नहीं चाहती बिल्कुल। के लिए फूल प्रसाद ले लिया था। एंड ओके सो हम फटाफट से फिर ऊपर चलते हैं। जैसे यहाँ पे है हाथ मुंह धोने का। एंड मंदिर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, बड़ा है, वाकई बिहारी का मंदिर है। एंड यहाँ पे पूरे दर्शन होते हैं ऐसे, नीचे जैसे थोड़ा बना हुआ है ताकि लोग चढ़ के कर सके दर्शन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बड़ा है। एंड यहाँ पे अभी शाम के टाइम पे रश नहीं है। एंड अभी हम यहाँ से टिक्की और लस्सी ऑर्डर करी है। एंड हम खा रहे हैं, टिक्की को पी रहे हैं, लस्सी को बेस्ट।
एंड गाइस यहाँ पे आपने पहली बार कुछ ऐसा चीला ऑर्डर किया है, ये बहुत अच्छा चीला है। ओके एंड हमने कभी खाया नहीं है बट तारीफ सुनी है, सो वील ईट इट। एंड मेरी लस्सी भी पची है अभी, आधे के लिए लेमन सोडा भी मंगाया हमने। एंड यहाँ पे सीटिंग भी देख सकते हैं आप। एंड गाइस अभी हम जा रहे हैं वापस, एंड आधे को आ रही है जाते जाते वॉशरूम, एंड प्रेशर बन गया है उसका। एंड गाइस आप समझ ही गए होंगे किसका। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बाहर ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं, यहाँ पे आ गया है टोल टैक्स। टोल टैक्स बोलते हैं पोल टैक्स, वॉट एवर। ओके एंड यहाँ पे बस हम फटाफट से यहाँ से निकलेंगे, एंड उसके बाद आदविक यहाँ पे एक वॉशरूम है, सो वहाँ से आदविक को वॉशरूम करवाएंगे फटाफट से। एंड वॉशरूम के बाद अभी हम यहाँ पे पहले तो दे रहे हैं अपना टैक्स जो भी है हमारा। एंड होम, एंड जब हम आ गए हैं घर पे, एंड थोड़ा रिलीफ लग रहा है। ओके एंड चेंज वगैरह कर लिया है। ओके एंड वहाँ से हम लाए थे तो छोटी मोटी सी चीजें, एंड वेरी गुड। ओके एंड वहाँ पे शायद यही सारे डिजाइन थे ना, लव देम बोथ। मैं अभी आपको दोनों दिखा देती हूँ। ओके तो 3, 2, 1 एंड गो। ओके शायद दिख रहा है, हाँ। तो गाइस एक तो ये है मेरी किचन, एक छोटी सी प्यारी सी, मैंने नीचे लगा है पॉम पॉम, एंड ये बहुत सॉफ्ट है, हम वहीं से लाए हैं ये वृंदावन से। एंड बहुत अच्छा किचन है एकदम, आप भी ऐसे किचन ले सकते हो। मुझे ना किचन अच्छे लगते हैं, जब भी हम ना वहाँ पे जाते हैं आई ऑलवेज ब्रिंग एटलीस्ट वन किचन। तो जब भी मुझे कोई भी अच्छा किचन लगता है ना, यस लेने लायक है, आई कैन टेक इट, आई लव दैट किचन, तो आई टेक इट। एंड दिस इज सो क्यूट यार। चलो गाइस तो ये था मेरा फर्स्ट थिंग जो मैंने वहां से बाई की। ओके एंड ये 30 rupees का आया था, एंड इज वेरी गुड एंड सॉफ्ट, क्वालिटी इतनी घटिया भी नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी है। ओके नेक्स्ट ये एक प्यारा सा छोटा सा पर्स, बहुत छोटा पर्स है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस मेरा आप देख सकते हैं पाम से भी छोटा ही पर्स है ऐसे, हम ज्यादा बड़ा पर्स नहीं है, ठीक है ना। और आप भी ऐसे छोटे मोटे पर्स ले सकते हैं, ये मैंने अपने लिए छोटा सा पर्स लिया है। एंड ये भी जैसा ये एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है ना इसका फर, वैसे ही इस टाइप का ही है, ये सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम। एंड आई मतलब वाओ, देखते ही लगता है ना कोई चीज की यस यू हैव टू टेक इट, बस तो मतलब ले लेती हूँ मैं। एंड मैंने पहली बार वहां से किचन के अलावा कुछ और भी लिया है, एंड दिस इज द पर्स आ रहा है तो जिसमें भी एक पॉम पॉम है, एंड ये बट किचन नहीं है, एंड जैसे जिप होती है ना उसकी जो है जैसे यहाँ पे एक हुक है, एंड साथ में ये पॉम पॉम लगा हुआ है, ठीक है। एंड पूरा चेक करके लिया था, इसके अंदर मैंने पैसे भी रख लिए हैं। ओके एंड देख लीजिए काफी अच्छा पर्स है, एंड क्वालिटी वाइज भी मुझे अच्छा लगा, मतलब घटिया क्वालिटी नहीं है इसकी इतनी, बट इतना ज्यादा चलने वाला भी नहीं है। सी बीच में पॉकेट है एक छोटी सी जिसके लिए जिप है, इसमें हम जैसे कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, नोट्स वगैरह हम इन दो पॉकेट्स में रख सकते हैं, लेकिन इतने मेरे पास नोट्स नहीं, अफसोस। ओके तो हम ये इसमें ही रख देते हैं एंड अभी बंद कर देते हैं। एंड ये हमने लिया था हम 210 तक का कुछ, नहीं सॉरी 210 नहीं 120 मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतने में एक अच्छी क्वालिटी का भी पर्स आ सकता था, बट ओके वहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं होती वहाँ पे, तो हमने वहीं से ले लिया छोटा सा ये। हम दिया वगैरह देख रहे थे, जैसे अभी दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, दशहरा तो थोड़े दिनों में ही आ रहा है, जस्ट ऐसे
बट ओके एंड वहां से हम देख रहे थे चीजा, बट कुछ अच्छा नहीं लगा। उससे अच्छा लगा कि मार्केट में यहाँ पे ज्यादा शॉप मिल सकता है, प्राइस भी सेम से ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो वहां से अच्छा, मतलब इतना अच्छा ना लेने की जगह हम कोई अच्छी चीज ले यहाँ से। सो एंड यहाँ पे ना आई थिंक कि शायद ही मिले ऐसा कुछ, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा था कि जस्ट अभी ही लेना है, एंड आई टुक इट। तो ये दो चीजें ली है ऑफ, ये एक 30 रुपीज का एंड एक 120, ओके 120 का। एंड इस एकदम, मतलब मुझे लग रही है अच्छी क्वालिटी है। आप इसकी चेन देख सकते हो, गोल्डन कलर की चेन है, साइड में थोड़ा लाइटिश पिंक है यहाँ, ठीक है। एंड आप भी इस टाइप का अगर पर्स लेना है तो ले सकता है। मेरे पास कुछ लिंक विंक नहीं है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूं। अगर मुझे कुछ मिल गया जैसे अमेजोन पे या किसी चीज पे लिंक, उसका तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने का ट्राई करूंगी। एंड क्योंकि मैंने आज तक कोई लिंक शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मेंशन किया, सो आई डोंट नो कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट, एंड दिस इज माई क्यूट सा पर्स जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये भी मेरा क्यूट सा कीचेन है। पता, मैंने पहले सोचा था कि वी कैन पुट दिस कीचेन ओवर हियर, ठीक है, बट मैंने देखा नहीं था कि ये पॉम्पॉम एक कीचेन नहीं है, ठीक है। मुझे लगा कि इसको हम हटा के कभी ये लगा सकते हैं, उधर पिंक लिखा है, ये भी पिंक कलर का ही है। सो बट मेरा सपना टूट गया और बिखर गया, बट कोई नहीं, मैं किसी भी अपने बैग पे किसी भी चीज पे ये लगा सकती हूँ। दोनों यूजफुल सी चीज है। चलो गाइस, आई थिंक आज के लिए काफी लंबी शायद वीडियो हो गई है, अगर आपके हिसाब से लंबी हो गई तो बताना मुझको कि सो लॉन्ग वीडियो। एंड ओके एंड गाइस, आज के लिए आई थिंक काफी है, एंड मेरे बाल भी पूरे ऐसे हो रहे हैं अभी, सो प्लीज इग्नोर दैट। हाँ, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, एंड लाइक करना आज की वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पर अगर नए हो तो, एंड और क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी मैं भूल गई थी, एंड शेयर करना अगर मेरे चैनल पर नए हो तो। एंड अभी तक आपको बहुत हेट हो रही वीडियो मिली है, इतने थोड़ी मतलब देर बाद एकदम फिक्स्ड वीडियो मिल रही है, ओके। तो मिलते मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले एक सेकेंड प्लीज कमेंट करके बताना मैं और क्या क्या बनाऊं, क्योंकि अभी तो हम जा रहे थे उधर, जैसे टुक द वीडियो मेक द वीडियो, एंड थोड़ा मुश्किल था ये वीडियो बनाना क्योंकि हम वहाँ पे जैसे जब हम मंदिर में गए, मैंने अंदर की वीडियो बना ली, बट आई थिंक नहीं बनानी चाहिए थी, हाउएवर बना ली तो ओके, क्योंकि ना वहाँ पे एक्चुअली अलाउड नहीं था, बट थोड़ा सा कर लिया एकदम। आप देखोगे वो बहुत छोटी सी क्लिप थी। एंड ओके, आज की वीडियो के लिए इतने ही, मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।